वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नाउन एंड केस के लेक्चर नंबर 3 पे। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करने वाले, मैंने आपको ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर दिए यूट्यूब पे नाउन एंड केस के, आप पहले उसे देखिएगा, उसके बाद ये थर्ड लेक्चर आप रन कीजिएगा, तब आपको कुछ समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए आगे सुनते हैं। इसमें मैं आपको अपोस्ट्रॉफी एस को यूज़ करने के कुछ और अदर एप्लीकेशंस दूंगा, है ना। मैंने ऑलरेडी इसके पहले बताया था कि वो लिविंग थिंग्स में अप्लीकेबल है, लेकिन इसके साथ ही वो कुछ और चीज़ों में भी अप्लीकेबल होता है जो कि एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शंस पर मैं अभी आप बच्चों से डिस्कस करने वाला हूँ। आगे बात समझ में, देखो एक्सेप्शंस से ना आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्शन बच्चे लोग हर जगह है। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे सोलार प्लैनेट में अर्थ अपने आप में एक एक्सेप्शन है। भाई सोलार प्लैनेट, हमारे सोलार सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। अब उन 8 प्लैनेट में एक ही ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, विच इज़ अर्थ। तो जो पृथ्वी है वो अपने आप में एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। तो वट माई पॉइंट इज, हम लोग इसलिए बातें एक्सेप्ट करते हैं ना कि हाँ भाई लाइफ जो अर्थ है उस पर लाइफ है, तो जैसे हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं ऑल दो इट इज़ एक्सेप्शन, बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्शन हर जगह है और आपको उसे भी एक्सेप्ट करना है। आगे बार पकड़ में, तो मैं इसमें कुछ एक्सेप्शंस पर आप बच्चों से डिस्कस करने वाला हूँ, थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अ बोट्स लेंथ, ये जो लिखा हुआ है एकदम सही लिखा हुआ है। अपोस्ट्रॉफी एस इस तरीके से भी यूज़ होता है ना। मैं कुछ तरीके आपसे डिस्कस करूँ, फटाफट सुनते जाइएगा। जैसे लिखा हुआ है नीडल्स पॉइंट, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ख्याल कीजिएगा। द जर्नीज एंड, सही लिखा हुआ है। और एड्रेजर्स एज, सही लिखा हुआ है। ये कुछ फ्रेसेस हैं जो हमेशा इस तरीके से यूज़ होते आए हैं। तो क्योंकि ये इस तरीके से हमेशा से प्रयोग होते आ रहे हैं, तो इनकी इन चीज़ों को, मतलब इनके इस तरीके को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इसको परेशान नहीं होने देखकर इस तरीके से एक्सेप्ट किया गया, विच इज़ करेक्ट। जैसे अपन बोलते हैं टुमारोज़ प्रोग्राम, सही है। अ ईयर एब्सेंस, सही है। अ वीक्स हॉलीडे, सही है। अ मंथ्स हॉलीडे, सही है। अ डेज जर्नी, सही है। पॉइंट आ रहा है आपको समझ में। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आवर्स डीले। आप इसके लिखने का स्टाइल नोटिस कर, उसने किस तरीके से लिखा हुआ है। तो देखो मैं आपको क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, से सुनना। मैंने आपको इसके पहले लेक्चर बताया था नाउन एंड वर्ब में, मैंने आपको बताया था जैसे 1 लिखा हुआ है उसके बाद आप पेन लिखोगे तो सही होता है, लेकिन अगर जैसे 2 लिखा हुआ है, 2 के साथ अगर आपने पेन लिखा तो गलत हो जाएगा। आपको अगर इसे सही करना है तो 2 के साथ आपको फिर पेन नहीं लिखना है, 2 के साथ आपको लिखना है पेंस, PENS। ये बात आई समझ में। जैसे 3 है तो 3 के साथ भी पेन नहीं होता है, 3 के साथ में होता है पेंस। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, 1 के साथ में सिर्फ सिंगुलर नाउन रहता है, लेकिन 2, 3, 4, 5, 6, 10 जितने भी गिनतियाँ हो सभी के साथ में कैसा नाउन होता है भाई, प्लूरल नाउन होता है। ये ली बात आप समझ गए। तो मैंने क्या कन्वे करने की कोशिश करी भाई, जितनी भी गिनतियाँ होंगी इसको हम लोग कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। मैंने आपको जब आर्टिकल पढ़ा होगा तो ऑर्डिनल और कार्डिनल इन दोनों एडजेक्टिव के बारे में बताया है, एक बार ज़रा वहाँ जाकर देखिए कि कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं। आर्टिकल वाली क्लास में जाइए, यूट्यूब में लेक्चर अपलोडेड है, एक आर्टिकल वाले वीडियो में जाइए, वहाँ जाकर देखिए। तो जितने भी कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी ऐसी गिनतियाँ होती हैं उसके साथ जो नाउन होता है हमेशा कैसा होता है भाई, प्लूरल होता है, ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पर ना देखो गिनती लिखी हुई है, देखो ये 2 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है ना। तो इसके साथ में जो हमने नाउन लिखा है ना बच्चे, देखो यहाँ पे आर्स लिखा है विच इज़ प्लूरल, डेज लिखा है विच इज़ प्लूरल, ईयर्स लिखा है विच इज़ प्लूरल। तो प्लूरल वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर गिनतियाँ लगी हुई है, ये गिनतियाँ हैं, इसकी वजह से वो प्लूरल हो रहा है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब बात को समझो जरा, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई, मेरे को 2 के साथ में आर्स ही लिखना था, OURS, ठीक है। अब उसके बाद में वहाँ पे लिखा हुआ है डीले। अब जरा इस वाली बात को समझना, मैं कहना चाहता हूँ 2 घंटे की देरी, तो ये 2 हो गया, ये घंटे हो गया और ये देरी हो गया। तो 2 घंटे देरी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन की कहाँ पर है, तो वो की दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं अपोस्ट्रॉफी एस। आगे आपको समझ में, तो 2 ये रहा 2 घंटों, ये रहा घंटों, ये रहा की, और फिर आ गया देरी। ये वाली बात आपको समझ में आ गई, लेकिन आप इसको जब पढ़ के देखोगे तो कैसा पढ़ोगे, 2 आर्सेस डिले, तो आर्सेस वो हिसिंग साउंड आ गया ना। तो मैंने आपको इसके पहले वीडियो बताया था अगर कभी भी हिसिंग साउंड आ जाए तो अपोस्ट्रॉफी एस में से एस को हटा देते हैं और सिर्फ अपोस्ट्रॉफी ही फिर पॉजिटिवनेस को कन्वे कर देता है। तो देखो यहाँ पर जो है ना उन्होंने सिर्फ अपोस्ट्रॉफी ही अप्लाई किया हुआ, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, जो कि एकदम सही है। आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि उन्होंने अपोस्ट्रॉफी ही अप्लाई किया हुआ है, जो एकदम सही है।
मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया था कि क्यों वहाँ पर एस नहीं लगाया गया है, और मैंने अभी उसको रिपीट भी करवा दिया एक बार, इसलिए चीज़ को सीखना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगली बात आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग फर्दर, क्या लिखा हुआ भाई, इंग्लैंड्स हिस्ट्री, सही है, ऐसा यूज़ होता है अपोस्ट्रॉफी एस का, है ना, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, दोनों ही सेम बात कन्वे करते हैं। फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था राम्स ब्रदर, द ब्रदर ऑफ राम, दोनों ही सेम बात कन्वे करते हैं। ऑफ तो हर जगह सही है, अपोस्ट्रॉफी एस का एक्सेप्शन है, यहाँ पर ही सही है। इंडियाज फ्यूचर सही है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया भी सही है, ये सही तरीका है लिखने का। ये मैं कुछ कुछ तरीके आपको बता रहा हूँ कि देखो इस तरीके से ये यूज़ होते हैं, तो आपको इसका आइडिया लग जाना चाहिए। ये लिए आपको बात समझ में आ गई, यहाँ तक ओके। अपन जैसे इंडियाज फ्यूचर आपने लिखा, सही लिखा आपने, लेकिन जैसे आपको टीम के कंटेक्स्ट में लिखना होगा, एक आध एक्सेप्शन है सुन लेते हैं, तो आप इंडियाज टीम नहीं लिखते हैं, इंडियाज टीम नहीं होता है, आगे पकड़ में, तो क्या होता है सर, इंडियन टीम होता है, इंडियाज टीम नहीं होता है, इंडियन टीम होता है, इंडियाज प्लेयर नहीं होता है, इंडियन प्लेयर होता है, चाइनाज लैंग्वेज नहीं होती है, चाइनीज लैंग्वेज होती है। इतनी वाली बात समझ में आ गई, कंफर्टेबल है अपन इसमें, ठीक है, आइडिया लगा इस वाली बात को लेकर। नाउ वी आर गोइंग फर्दर, कुछ और एप्लीकेशन है, फटाफट देख लेते हैं। देखो इस तरीके से लिखा जाता है, अ मीटर्स लेंथ, सही है, सही तरीका है लिखने का, अ किलोग्राम्स वेट, सही तरीका है लिखने का, फाइव टन्स, अपोस्ट्रॉफी एस कर टन्सेस हो जाता, तो हिसिंग साउंड हटाने के लिए एस हटा दिया, सिर्फ अपोस्ट्रॉफी रह दिया, फाइव टन्स वेट, सही है, सिक्स पाउंड्स वेट, सही है, $10 वर्थ, सही है, ठीक है समझ में। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ना तीन टर्म लिखे हुए हैं, इन तीनों में से ना कोई एक ही सही होने वाला है, गॉट इट। मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि कंपाउंड टर्म, ये कंपाउंड टर्म है, फादर इन लॉ, दिस इज कंपाउंड टर्म। कंपाउंड टर्म कहने का मतलब है कि एक ही शब्द में दो तीन टर्म जुड़े होते हैं, जैसे फादर इन लॉ एक शब्द है लेकिन यहाँ पे तीन टर्म जुड़े हुए हैं, पता चला आपको, कंफर्टेबल है अपना इसमें अभी। तो जो फादर इन लॉ है ना, मतलब जो कंपाउंड टर्म है ना, उसमें पोजेसिवनेस कैसे दिखाते हैं ये एक बार सीख लेना। तो ये तरीका पोजेसिवनेस दिखाने का गलत है, ये तरीका पोजेसिवनेस दिखाने का भी गलत है, उल्टा यहाँ पर तो सुपर गलती ये है कि इन्होंने लिख दिया फादर्स इन लॉ, मतलब फादर्स कर दिया, मतलब सब प्लूरल बना दिया, मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे चार छः ससुर जी घूम रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना भाई, एक ही काफ़ी है, तो फादर्स इन लॉ तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, एक ठीक है, पॉइंट आ गया समझ में। तो ये सही तरीका है, दिस इज़ द राइट वे। तो मैंने आपको क्या कन्वे किया, जरा इस वाली बात को सुन लीजिए, मैंने आपको इस वाली बात को कन्वे किया कि कभी कंपाउंड टर्म में अगर आपको पोजेसिवनेस दिखाना होगा, तो एकदम लास्ट वाले टर्म पर आप अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, दिमाग में गई वाली बात। लेकिन अगर कभी इसका प्लूरल बनाना हो, ये वाली बात मैंने आपको ना नाउन एंड नंबर में कन्वे करी है, एक बार यहाँ पे बस रिवाइंड करवा देता हूँ। जैसे अगर किसी कंपाउंड टर्म का अगर आपको प्लूरल बनाना हो, जैसे आपको लिखना है फादर इन लॉ, तो ये जो फादर इन लॉ है बच्चे, ये तो सिंगुलर है, लेकिन जैसे आपको प्लूरल बनाना हो तो देखना मैं कैसे लिखूंगा, फादर्स इन लॉ, तो आप इस वाली बात को समझ गए मैंने क्या कन्वे किया। अगर कंपाउंड टर्म का प्लूरल बनाना होगा ना, कंपाउंड टर्म का प्लूरल बनाना होगा, तो फादर में एस लगता है, लेकिन अगर उसमें पोजेसिवनेस दिखाना होगा ना, तो लॉ में अपोस्ट्रॉफी एस लगता है। इस वाली चीज को समझ गया, यहां तक आइडिया कंफर्टेबल हो गया, ठीक है। वैसे ही ब्रदर्स इन लॉ जॉब गलत है, ब्रदर्स इन लॉज जॉब गलत है, ब्रदर इन लॉज जॉब सही है, ये सही तरीका है लिखने का। तो ये तरीका सीखिए भाई लिखने का, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक ही सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा अपोस्ट्रॉफी एस यूज करने हो, मतलब एक से ज्यादा बार अगर आपको पोजेसिवनेस दिखानी हो, तो कैसे दिखा सकते हैं वो एक बार सीख लेते हैं, ठीक है। ये किंग्स मगध पैलेस, एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा अपोस्ट्रॉफी एस यूज नहीं करते, रॉन्ग है। द किंग्स ऑफ मगध ऑफ मगध पैलेस, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग, द किंग ऑफ मगध ऑफ पैलेस, ये सही हो सकता था, लेकिन ये बहुत लेंदी नहीं हो गया बोलने में, द किंग ऑफ मगध ऑफ पैलेस है, बोलो कितना लेंदी लग रहा है। तो उससे अच्छा तरीका क्या है, द किंग ऑफ मगध पैलेस, मतलब कि मगध के महल के राजा, इसका मतलब ये, ठीक है। तो एक से ज्यादा पोजेसिवनेस एक ही सेंटेंस में दिखाने का सही तरीका है दिस वन, ये वाला सही तरीका है, आगे पकड़ में। एक बार फिर से सीखते हैं, विनोद्स वाइफ्स पेरेंट्स, विनोद्स वाइफ्स पेरेंट्स, तो आप उसको दो बार अपोस्ट्रॉफी एस नहीं दिखा सकते, सीना समझ में। तो क्या तरीका है भाई, द पेरेंट्स ऑफ विनोद्स वाइफ, सीना समझ में।
तो विनोद की वाइफ के पेरेंट्स, ये वाली बात लिखी है, विच इज कम्प्लीटली राइट। आइडिया लग गया आपको, कंफर्टेबल है अपन इसमें? तो ये मैंने आपको ना कुछ कंटेंट इसमें कन्वे किया अभी कि अपोस्ट्रोफी से कुछ एक्सेप्शन से कुछ अदर यूसेज भी हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए। नाउन एंड केस के अगले वाले वीडियो में मैं आपको और भी बेहतरीन रूल कन्वे करूँगा, और भी शानदार रूल जानने के लिए इस वाले वीडियो लेक्चर से बने रहेगा। जल्दी मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड।